हेलो स्टूडेंट्स आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर रियली गुड सो चिल्ड्रन इन जी के आर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द लेटर्स सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विच लेटर विल कंप्लीट दिस वर्ड द वर्ड्स मीनिंग इज गिवन एज हिंट बच्चों यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है ठीक है यहाँ पे आपको उनसे रिलेटेड हिंट भी दी गई है जैसे कि हिंट वन है हेल्प और एडवाइस टू डू समथिंग किसी को हेल्प करना या फिर एडवाइस करना ठीक है कोई काम करने में तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम गाइड करना कहते हैं गाइडेंस कहते हैं तो यहाँ पे आपका एक लेटर मिसिंग है वो क्या मिसिंग है आई मिसिंग है अगर आप आई लिख देंगे तो ये गाइडेंस वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड हिंट राउंड लाइक अ सर्कल एक सर्कल की तरह राउंड तो क्या होता है सर्कुलर होता है ठीक है तो आप यहाँ पर सर्कुलर लिखेंगे मिसिंग जो इसका नंबर है ठीक है एल यहाँ पे मिसिंग है आप एल लिखेंगे थर्ड हिंट डेड अब डेड डेड का मतलब क्या होता है जिसमें जान नहीं होती जो मर चुका होता है तो उसे हम क्या कहते हैं लाइफलेस कहते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे इसका मिसिंग लेटर जो भी है एस वो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ हिंट सेफ अब सेफ का सिनोनिम क्या होता है मतलब उसके जैसा सिमिलर वर्ड क्या होता है आपका यहाँ पे हार्मलेस सेफ मतलब हार्मलेस तो आप यहाँ पे एच ए आर एम लिख के इसे कंप्लीट करेंगे हार्म लेस नाउ फिफ्थ हिंट अ पर्सन हु मेक्स अस लाफ बाय हिज जोक्स एक्ट्स एक्सेट्रा एक ऐसा पर्सन जो हमें हंसाता है उसके जोक से और उसके एक्ट से तो वो क्या कहलाता है वो कमेडियन कहलाता है तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे जहाँ पे यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है और इस तरह से आपका ये वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सिक्स अरेंज इन ग्रुप और कैटेगरी किसी चीज को अरेंज करना उसको कैटेगरी में रखना ठीक है तो आप यहाँ पे एस लिख के एस सर्कल को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे हिंट अ लार्ज हिल एक बड़ा सा हिल उसे हम क्या कहते हैं उसे माउंटेन कहते हैं ठीक है तो माउंटेन की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी तो आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर यू लिख के इसे कंप्लीट करना है एट्थ लेटर ऑफ अ लैंग्वेज गिवन इन फिक्स्ड ऑर्डर एक ऐसे लैंग्वेज में जिसमें जो लेटर्स होते हैं वो फिक्स ऑर्डर में ही लिखे हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे बी लिखकर इसे क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से सुन में आया होगा अब इसका रिविजन और उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे